नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंघांगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नदियों के संरक्षण में योगदान की अपील। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नौजवानों को छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से सीख लेने की दी सलाह। उड़ान योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग, मैचुका, पासीघाट, जीरो और विजयनगर जल्द जुड़ेंगे फिक्स्ड विंग फ्लाइट सर्विसेज से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मौजूदगी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अलायंस एयर डोनियर के बीच लीज को लेकर हुआ वर्चुअल माध्यम से समझौता। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने दिरांग में गांव बुढ़ाओं के साथ बैठक में उनसे आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने का किया आह्वान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तवांग में देश की सीमाओं की रक्षा में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों का महत्व है। नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सबके प्रयास और सबके सहयोग से नमामि गंगे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इन दिनों चल रही एक ई नीलामी का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत उन्हें विभिन्न अवसरों पर दिए गए उपहारों की नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस नीलामी से मिलने वाली राशि को नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने नौजवानों को छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें साल में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इससे संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे 2 अक्टूबर को बापू की जयंती पर और त्योहारों के मौसम में खादी तथा कुटीर उद्योगों के उत्पाद खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाएं। ये जरूर जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजादी के आंदोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी। ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है। हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप अपने शहर में जहाँ भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्यौहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो। आज के हालत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्लांट और हर्बल उत्पादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है, उसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। बीते समय में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। मैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूँ जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढ़ाए, हमारे किसानों और नौजवानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो।
अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग, मेचुका, पासीघाट, जीरो और विजयनगर जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अलायंस एयर डोनियर के फिक्स विंग फ्लाइट सर्विसेज से जुड़ जाएंगे। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मौजूदगी में उड़ान स्कीम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अलायंस एयर डोनियर के बीच लीज को लेकर वर्चुअल माध्यम से एक समझौता हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 3 चरणों में इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले चरण में पासीघाट और तेजू, दूसरे चरण में मेचुका, तूतिंग, विजयनगर और जीरो के बीच उड़ान सेवा शुरू होगी, जबकि तीसरे चरण में दिरांग और दापोरिजो के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीरो और तूतिंग एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर सिविल टर्मिनल का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने आज वेस्ट कामेंग और तवांग जिले के 4 दिवसीय दौरे के तहत दिरांग में गांव बुढ़ाओं के बैठक में उनसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लोगों से टीका लगवाने और उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। श्री मिश्रा ने गांव बुढ़ा से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने को कहा। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने महिलाओं से सशक्तिकरण के लिए लोयन लूम पर वस्त्र तैयार करने में निपुणताओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तवांग के जसवंतगढ़ में देश की सीमाओं की रक्षा में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पापुनला में आज शिक्षक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मार्किन कादू, प्राथमिक शिक्षा निदेशक औतम तायंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक भवन में शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। सही मानो तो हमारे गुरुजी ही सब कुछ है। आज मैं जिस हालत में हूँ, जिस मकाम में पहुँचा हूँ, आप सबकी देन है, क्योंकि आप अगर मेरे गुरु नहीं होते, मेरे टीचर नहीं होते, आज मैं एक अफसर नहीं बनता, आज मैं एक पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिक्स में नहीं आता। जो भी मेरा जीवन की जो शुरुआत है, मुझे तो जन्म दिया है मेरा माता पिताजी ने, लेकिन सही माने तो मुझे असली जन्म रूप दिया है आप टीचर लोगों ने। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अपना पर सही तरह से निभाइए और अपनी जो रेस्पेक्ट है, अपने जो स्थान है, हमेशा ऊंचे स्थान में रहना चाहिए। आप अगर चौथे चौथे चीज़ करोगे, चौथे चौथे बिजनेस करोगे, चौथे चौथे पॉलिटिक्स खेलोगे, तो आपकी इज्जत चला जाता है। आप वो मत कीजिए, आप टीचर के रूप से बिल्कुल गुरु के रूप से रहिए। आपकी सोसाइटी में, आपकी हर रूप में आपकी चर्चा होगी, आपको रेस्पेक्ट होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजधानी ईटानगर इकाई द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलो कॉलोनी नाहरलगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 7 वर्षों की उपलब्धियों पर नमो क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में छात्रों को जागरूक करना और उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना है। ये जो आपका प्रोग्राम, जो क्विज कंपटीशन, नवो क्विज कंपटीशन 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का कंसर्निंग, उसका बारे में सो उसका अंदर द बैनर ऑफ कितना डेवलपमेंट क्या है, क्राइटेरिया जितना भी है उसका, गवर्नमेंट का अंदर में जो भी है उसका बारे में हम लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा लोग से एक क्विज कंपटीशन रखा है। लगभग हमारे कैपिटल यूनिट के जितने भी कोना में स्कूल हैं, उसमें लगभग सब जगह में मंडल यूनिट के सबको बांटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर कनेक्टिविटी के सुधार और स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना को लागू कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। बेहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से।
नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही। एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। विकास और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबूत करते रहना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश की उपलब्धियों और राज्य में उद्यमिता विकास की योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को हस्तशिल्प, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय समय पर सफल उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इससे बेरोजगार युवाओं को प्रगतिशील उद्यमियों से मिलने और उनसे स्वरोजगार शुरू करने के लिए जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हाल ही में ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर के परिसर में आयोजित वाणिज्य उत्सव में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया और उन्हें विशेषज्ञ द्वारा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के बारे में आवश्यक टिप्स दिए। बेहतर क्वालिटी चाय के बारे में लोगों को एजुकेट करूं। जब फॉर एग्जांपल असम टी, हम लोग सब वी आर प्राउड ऑफ लाइक यू नो असम टी एज ए रीजन, लाइक यू नो सो क्या होता है, बट लाइक यू नो लोग जब असम टी के बारे में जानते हैं तो मेयरली पीपल नो इट लाइक यू नो टी इन टी बैग्स और CTC, बट लाइक यू नो टी इज मच मोर देन लाइक यू नो जस्ट बीइंग इन CTC और लाइक यू नो टी बैग्स में। इनफैक्ट मैं लोगों को ये बताऊँगा लाइक यू नो टी बैग्स में चाय पीना ही नहीं चाहिए। आई वुड इनफैक्ट गो टू द एक्सटेंड इन सेइंग दैट लाइक यू नो ड्रिंकिंग टी बैग इज अ क्राइम। ओके, बिकॉज कोई भी लाइक नोबडी डिजर्व्स अ बैड टी एंड इट्स नॉट अ क्राइम टू टेस्ट सम ऑफ द बेस्ट टीज, यू नो। और स्पेशली पटकाई बर्ड्स यहाँ पे जो एफर्ट अभी ला रहा है, अगर इंडिया में आप लोग ओरिजिनल लाइक यू नो जो फर्स्ट इवन बिफोर द ब्रिटिशर्स जो चाय कंज्यूम किया गया था अगर देखा जाए तो ये फॉर्म में था आपका। ओके, सुबकाई रीजन द सिंगफो कम्युनिटी एंड नॉक्टेज लाइक यू नो ट्रेडिशनली वो लोग इस प्रकार से जो चाय बनते थे, सो विच इज़ वेरी कॉमन इन लाइक यू नो इन विंस ऑफ चाइना में। एंड ये बहुत ही एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं लाइक यू नो इट्स रियली गुड फॉर डाइजेशन। अगर आप हैवी मील के बाद में इसको कंज्यूम करते हैं लाइक यू नो यू कैन फील द डाइजेशन ऑलरेडी। और वो रीजन्स में जहाँ पर ये कंज्यूम किया जाता है दे आर वेरी फ्री फ्रॉम लाइक। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण युग की महान हस्तियों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। समाज के प्रति अपने अनूठे योगदान के लिए ईश्वर चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वे महान समाज सुधारक, ब्रिटिश शासन के विरोधी और परोपकारी व्यक्ति थे। महान शिक्षक और लेखक विद्यासागर को बांग्ला गद्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने बांग्ला अक्षरों को औचित्यपूर्ण, सरल और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सागर ने शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए पूरे बंगाल में स्कूलों की स्थापना की। 2 महीने में ही उन्होंने 20 स्कूल बना दिए। स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहन देने के लिए ईश्वर चंद्र ने 30 स्कूल तो केवल कन्याओं के लिए बनाए। सर पर 26 सितंबर 2019 को कर्मातार ब्लॉक का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लॉक कर दिया। भारतीय डाक विभाग उन पर 2 बार 1970 और 1998 में डाक टिकट भी जारी कर चुका है। 29 जुलाई 1891 को महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोलकाता में निधन हो गया।
पासीघाट फॉरेस्ट डिवीजन के वन अधिकारी तसीम मुझे ने सेराम में वन क्षेत्र का दौरा कर गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए कर्मियों से पेट्रोलिंग बनाने को कहा। उन्होंने स्थानीय लोगों से वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विभाग के साथ सहयोग करने की अपील की। श्री मुझे ने कहा कि वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हम मॉनिटरिंग करने के लिए आया है तो यहाँ से सेराम का नाला एक स्ट्रीम है, उसी में जनरली फ्रिक्वेंटली राफ्टिंग होता है। तो ये राफ्टिंग भी देखा गया है कि ये बस्ती वाला अपना खेती से जो कल्टीवेशन एरिया से काट के ले जाता है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाता है हम लोग का। जैसे उन लोग लोकल वाला तमिलो बोलता है, हम लोग अपना घर बना। चांगलांग जिले के उपायुक्त देवांश यादव ने लोगों से आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना के तहत सरकार और बैंकों से मिलने वाले ऋण और सब्सिडी सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से बैंकों से आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मिल रहे ऋण को लेकर न डरने और आत्मनिर्भरता के लिए इसका सही उपयोग करने का आह्वान किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल दीदी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।